ਭਾਜੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਪਸੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛੱਡਿਓ क्या बात है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सवरिया भोले बाबा जगिया हो राम अच्छा भोजपुरी गीत संगीत के श्रोता साथी मैं बिरहा गायक बागी प्रवीण यादव अपनी पूरी पार्टी के साथ पूरे भोजपुरिया समाज को प्रणाम करता हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं हाल ही में जो ये भयावह हमला हुआ आत्मघाती हमला हुआ नापाक इरादा पाकिस्तान पीठ पीछे धोखा किया हमारे 44 जवानों को शहीद होना पड़ा ये बहुत शर्म नाक घटना है साथी मैं अपने गीत के माध्यम से उन शहीद साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और इस शिकायत को इस उलहना को सबके समक्ष रखना चाहता हूं और पाकिस्तान से खुले आम बदले की भावना को रखते हुए अपने गीत को मैं प्रस्तुत करता हूं साथी मास्टर चार लाइन भूमिका के तहत कवि ने लिखा है पाकिस्तान तेरी औकात क्या है वो हम नहीं बल्कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कैसे मास्टर कौन कहता है कमजोर हम हो गए किसकी औकात है जो हमें देख लेगा भूल का सूल चुभता है नासूर बनकर पाक का साथ देकर भी चीन देख लेगा अपनी औकात पे फौज यदि आ गई अरे साफ पल में पड़ोसी को कर देंगे हम तो हम है किसी से भी कम गए नहीं प्रवीण भैया लाल आजमाले दम आ पाकिस्तान हम तो हम हैं किसी से भी कम है नहीं प्रवीण भैया लाल आजमा लेंगे दम ए मास्टर एक लाइन में बड़ी रसिक मिजाज कौवाली का टुकड़ा लगल कोनो प्रेमी प्रेमिका से कहता कोनो आशिक अपना मासुका से कहता कैसे कहता मास्टर साहब कैसे कर लो भैया हरकेश भैया प्रधान जी ये तोहरे बदे है कैसे
कि मेरे महबूब, अरे मेरे महबूब तस्वीर तेरी, कि मेरे महबूब तस्वीर तेरी मेरे दिल में उतरने लगी है, मेरे महबूब तस्वीर तेरी मेरे दिल में उतरने लगी है। मेरे दिल में उतरने लगी है, जब से दीदार हो, जब से दीदार तेरा हुआ है, जब से दीदार तेरा हुआ है दिल का कहानी संवरने लगी है, जब से दीदार तेरा हुआ है लेकिन कवि जी वीरन के बदे लिखलन जो शहीद हो गए उन्हू बदे आज जो आज हमारे हिंदुस्तान के आवाम को रक्षा सुरक्षा बॉर्डर पर मजबूती से करत हुआ आपन मचलत जवानी लेके ओ वीरन बदे कवि जी लिखत का लिखल भैया, अरे नमन करता कि नमन करता जो दिए जान रस कर, कि नमन करता जो दिए जान रस कर, सलाम उनको जो सीमा पर खड़े हैं, नमन करता जो दिए जान रस कर, सलाम उनको जो सीमा पर खड़े हैं। यो यो कि नमन करता जो दिए जान रस कर, सलाम उनको जो सीमा पर खड़े हैं, खून से हो खून से अपना इतिहास लिखते, खून से अपना इतिहास लिखते, तेरा इतिहास क्या हम पढ़े हैं, खून से अपना इतिहास लिखते, तेरा इतिहास क्या हम पढ़े हैं। खून से अपना इतिहास लिख दे, सुन ले पाकिस्तान, तेरा इतिहास क्या हम पढ़े हैं। विराग में कवि जी नजम का लाइन लगो लो, विराग शुरुआत हो गई, कैसे मास्टर जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमने क्या किया, वो सब क्या कर रहे हैं देखिए भाई। बंटवारा साथ हुआ भारत पाकिस्तान बना, बंटवारा साथ हुआ भारत पाकिस्तान बना, चांद पर हम गए आतंकियों की जान बना, समझा कर थक गए मानता नहीं कमीना है, समझा कर थक गए मानता नहीं कमीना है, पीते हो पानी जितना बहता मेरा पसीना है, हद तो हो गई थी कारगिल उरी घाटी में, हद तो हो गई थी कारगिल उरी घाटी में, कि छोड़ा सर्जिकल करा के तेरी माटी में,
भूल से भूल किया ब्लास्ट कर पुलवामा में, भूल से भूल किया ब्लास्ट कर पुलवामा में, तेरी औकात अब की आ जाई पैजामा में। यह एक शिकायत नामा है प्रवीण यादव भैया की ओर से, उलहना है। हर बार हमने तेरा दोगलापन देखा है, लेकिन इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। एक लाइन गीत लगल मास्टर कवि जी लिखत हो, कैसे लिखल भैया? राजा हम रोज जवानी खर्ची लाबा, लेकिन पाक तोहार तनी ढीला बा। राजा हमरो जवानी खर्चीला बा, लेकिन पाकी तोहार तनी ढीला बा। तब या बोले न कहिला तो आप होई, आप होई, आप होई। जब जब कहबू तब होई, लभ कला सब होई। जब जब कहबू तब होई, लभ कला लेकिन हिंदुस्तान के आवाम की आवाज है और हमारे हिंदुस्तान के फौजी भाइयों की आवाज है। कौन सी? तोरे गलती पे नहीं अब माफी बा, सुना हिंद का अभी इंसाफी बा। विचार होई, विचार होई, विचार होई। जंगया पर जंगी जुधार होई, सीमावा के पार होई। जंगया पर जंगी जुधार होई, सीमावा के पार होई। आए पाकिस्तान, कान खोल के सुन ले। जितना बात संगी साथी सबके ला जुटाई, बुला ले अपने हमराहियों को। के करी में दम बा कितना पता चली जाई। नहीं पीछे हम अब की हटत बानी हो, वही पीओ के बादल पर डटत बानी हो। नहीं पीछे हम अब की हटत बानी हो, वही पीओ की बादल पर डटत बानी हो। देखा नक्शा नया तैयार होई, तैयार होई, तैयार होई। अरे जंगला बल अब की जुधार होई, सीमावा के पार होई। जंगला बल जंगी जुधार हमारे फौजी भाई आके सामने।
आमने सामने लड़ ले औकात पता चल जाएगी पाकिस्तान। आए बाबू, लेकिन आए दिन इस शर्मनाक पुलवामा हमले को देख करके हमारे हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व क्रोधित है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मौके को देख करके, इस पुलवामा हमले को देख करके एक आवाज आती है हिंदुस्तान के आवाम से। कौन सी आवाज है मास्टर? गीत बदल गई। वह गीत हो, अरे गोरी जानू जाई हाँ बाजरिया में, बहादुर हो रे फसल बारू सबका नजरिया में, जइहा पजरिया में फसल बारू सभका नजरिया में, असही जो करबू तो आंख जदि मरबू तो, असही जो करबू तो आंख जदि मरबू तो, दिलवा बेचारा फिसल जाइ हो, सीना से अपना तू पता ना गिरे दी हो, सीना से अपना तू पता ना गिरे दी हो, पगलाई को मामे चल जाई हो, सीमा के अपने तू काटा ना, पगलाई को मामे लेकिन प्रधानमंत्री सीएम का बयान सुनने के बाद देश की जनता का एक सवाल है। कौन सी बात का? अरे बोला कितना चाहिए है चावा नाला हो, खेतवा से पूछता किसनवा हो, हिंद के दुलारा हुए हमन के प्यारा हुए, हिंद के दुलारा हुए हमन के प्यारा हुए, सुतल जे हुए जाग जाई हो, करा एक बात तू ही चंद के एलानावा, करा एक बार तू ही चंद के एलानावा, दुश्मन के दुनिया से भाग जाई, करा एक बार तू ही चंद के एलानावा, दुश्मन के दुनिया से भाग जाई। प्रधानमंत्री से, हमारे सीएम से जनता कह रही है, किसान कह रहा है कितनी फौज चाहिए, लेकिन एक बार खुला चैलेंज कर दो, एकाएक पाकिस्तान ठंडा हो जाएगा। आए बाबू, लेकिन बात कैसे नहीं, कहां तो हो, बात कहां की है? पुलवामा में जो आत्मघाती हमला हुआ, कभी जी एक बार उस पर अपनी निगाहें डालते हैं, कैसे मास्टर विदेश में कहो कहो। हिम्मत लसी गईली अझुलस गईली मिदिया हो, आ टूटी गईले आशा पीसा वासे कहे जंजीरिया, बस में सवार रहल अछियालीस नौजवनवा हो, मिलल ना बयालीस कह शुद्ध शरीरिया, हाथ पाँव मुँह केहू के आ जाना नहीं मिले केहू के, केतना लगे भैली तन से ठटरिया, केहू नहीं केहू के बाबू पनिया पियावे पौले, आ बंद हो गईली भैया
सब करने जरिया। ऐ बाबू जौना समय हादसा भेल हमारे सीआरपीएफ के जवान बस में बैठे हैं उस समय माहौल क्या था बस में। कवि जी के एक गीत लिखे पड़ल वह गीत है मास्टर साहब जो ना गीत के हमारे स्वर्गीय बेचन उस्ताद बड़ा मिजाज से गाऊं। कैसे गाऊं भैया कि बाबू दरोगा जी अरे कवन एक नैया बनल पियावा मोर। इतना ना है मास्टर साहब एक लाइन और कहा कि ना पियावा मोर डाकू हवन आ ना पियावा मोर चोर साहब अरे हवन बस कमजोर की बाबू दरोगा जी अरे बाबू दरोगा जी कवन तू नहीं बनला पिया मोर बाबू दरोगा जी लेकिन बॉस ने सारे सीआरपीएफ के जवान आपस में बतिया रहे हैं बड़े खुश हैं भैया हमारी छुट्टी है हमें कल परसों निकलना है भैया हमारा घरे शादी पड़ल बा केहू कहता हमारे घरे कुछ बा मने जवान बड़े खुशी खुशी हैं वही में केहू केहू फोन लगा के अपना अपना घरे बतियावता हाल चाल लेता। कैसे भैया कवि जी लिखत हूँ कि अरे मोरे भैया अरे मोरे भैया अरे बसिया में मद मस्त रहला पूरा जवान अरे मोरे भैया बसिया में रहला मद मस्त पूरा सब लोग हाल चाल करत रहल घरवा बाबू माई पूछा दुलहनिया कहिया आई बा होली गइला निया भाई कि अरे मोरे भैया हो कि अरे मोरे बाबू हो एकाएक देखा बंद भइल जुबान अरे मोरे भैया हो विस्फोट के बाद जवानों में अफरा तफरी मची है लेकिन देखे कि एक जवान ऐसा है जो करा रहा था उसके पास गए तो कभी जी टेरी में लिखे का लिखल भैया अरे मोरे राम जम्मू की माटी खूनी पड़ गई सवारी कि जम्मू की माटी खूनी पड़ गई अंबर का पौधा अवनी की छाती फाटी 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 अंबर का पौधा अवनी की छाती फाटी उनकी खूनी माटी पड़ गई। आए बाबू जवानों को जा करके करीब से लोग देखने लगे चीथड़े उड़ गए बाबू किसी का हाथ नहीं है किसी का पैर नहीं है किसी की छाती नहीं किसी का ओझड़ी नहीं बाबू एकत्रित कर रहे हैं जुटा रहे हैं लेकिन इतने में ही देखे एक जवान करा रहा था उसके पास हमारे सीआरपीएफ के जवान दौड़ते हुए पहुंचे भैया बोलो क्या परिचय है आपका। वो जवान भीगी पलकों द्वारा करा रहा है अपनी परिचय बता रहा है कि मैं कहाँ का हूँ मेरा नाम क्या है। कैसे बता रहा है साथी भैया जनपद देवरिया थाना के भटनी अंदर गांव छबिया जगदेवपुर राम नारायण मौर्य तीसरे नंबर का बेटा वही विजय कुमार मौर्य अपनी परिचय दे रहा है साथी
लोग कुछ कह पाते कि प्राण पखेरू बाबू उड़ गए। आज प्राण पखेरू उड़ गए तो बाबू हो एकाएक घर पे फोन आया, चचेरा भाई खेत में मोबाइल लेकर है। और जब मोबाइल पर फोन गया 14 फरवरी शाम 5:30 बजे तो बिंद्रेश रोते हुए दौड़ता खेत की तरफ से घर आया। आज जब घरे आल बाबू तो देखा था कि बड़का बाबू वही विजय कुमार मौर्य का बाबू आ राम नारायण मौर्य आ विजय के बड़की भाभी तोरमल बैठल बाड़ल बाबू कप लेके चाय पियत हूँ भैया। उतने में बिजेश रोबत पहुंचल भौजाई देखल दवरित पकड़ल बाबू काहे रोतवा का भेल भैया। बाबू के हाथ से चाय गिर गई, मुंह से आवाज ना निकले थे बिंद्रेश के, लेकिन बाबू भौजी के अखबारी में पकड़ के यह कलक कलक भैया गीत बदलला कि भैया विजय ए भौजी अरे भैया विजय आज शहीद भइले भौजी शहीद भौला भौजी सोयनी गल भौजी शहीद भैला भौजी सोयनी गल भौजी भैया विजय आज शहीद भैला भौजी विराहा के सुने वाले श्रोता साथी भैया बाबू चाचा कोह खातिर बहुत छोटा शब्द शहीद हो गए, लेकिन ए बाबू ओ बाबू पर बतिया सुन के का गुजरता सुन के शहीद बाबू गिरल दस्त खाई हट गईल छतिया आख गईल पतराई हट गईल छतिया आख गईल दुल्हन कहतिया आमनी क छोड़ के उम्मीद गईल भौजी आमनी क छोड़ के उम्मीद गईल भौजी भैया विजय आज शहीद भैले भौजी भैया विजय आज शहीद भैले आए बाबू शहादत का खबर पाउत पूरा गांव में जंगल के आग के तरह खबर फैल गई। बाबू गांव को लोग जुट गईलन दरवाजे पे आए के लोग हाय हाय के इहर के देखत है कि कितना कहीं अपने चंदौली से कहीं अपने बनारस से तमाम जगह से साथी यह सूचना बा लोग हाय हाय करते हो कि अरे बाप रे बाप आखिर ई का हो गए। आए बाबू सबसे बड़ी दुख की बात तब भइल मास्टर साहब जौना समय बंद कई के ताबूत में सीआरपीएफ के जवान विजय कुमार का पार्थिव शरीर आदेवरिया गांव भटनी आ उनके जगदेवपुर गांव में जब उतारल गई बाबू दुल्ही जाए के वही टूटल फूटल शरीर पर गिर गई गिर कथे का हो यह कहल एक लाइन गीत लगल कवि जी भाव बदल के धरा दुल्हन रोवत है रोए कहते का कथिया सजिया कफनवा कैला सजनवा आई बये ओलिया आई बये ओलिया
नवा नवा आई भी खेल होलिया ओ पिया नीक नहीं कैल गुदर नैला सजा के अला तू टोलिया ओ पिया नीक नहीं कैल गुदर नैला अला सजाई के टोलिया स्वामी आखिर हमसे तनी बड़ियार कौन गलती हो गई स्वामी कि जौना के तनी बड़ा आप सजा देत हवा कि हमसे मुख मोड़ लेला कैसे कहती भैया कवन कसुरवा के सजा बा सजना दुल्हन पूछत थिया कसुरवा के सजबा सजनवा अब पूछता रे चूड़ी हमर पूछता कलनवा खोली दा नजरिया खाई राउर पीनिया एक बेर बोली तत बोलिया अला सजाई के टोलिया ए बाबू दुल्हन के बात सुन के पूरे जवार के लोग करेजा पीट पीट रोवत हो कि अरे क्या रे विजय क्या कर गया तू इस परिवार के लिए बाबू लेकिन भैया हो शहादत शहादत है होले हमरे हिंदुस्तान के दिल का दर्द साथी कि कितना बयां कैल जा हम अपने गीत के माध्यम से कोनो शब्द ना हा जोने से हमन संबोधन कैल जा लेकिन पहपट में कबे जी लिखत हम भैल का जगह जगह से आवई है आवाज लादना छोड़ब हो अक्के तना बाटे पाकिस्तान रंग बाद लादना छोड़ब हो क्या बात है क्या भैया जी देवरिया भटनी मार्ग पे अभैले लोग इकट्ठा हो और शहीद विजय हो बात सच्चा देशवा का हमारे पट्ठा हो अब पूरे हिंद का तोरे ऊपर नाच योजना छोड़ब हम अब देखब केतना पाकिस्तान रनबाज योजना छोड़ब हम है बाबू जगह जगह से लोग ऐलान कर लगल रे तमाम जगह से एक ही आवाज है कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक बार खुला चैलेंज कर दे नक्शे से मिटा देगी हमारे हिंदुस्तान की फौज और सीआरपीएफ की टोली पाकिस्तान को लेकिन कैसे भैया हो जैसे कि सुन ला मोदी साहब अपना आ सुनल जाई चपलू सी हो आ खुल्लम खुल्ला ललकारा चलिए ना काना फूसी हो जवाब के ऊपर उहर ही अंदाज आज ना छोड़ब हम कतना बात है पाकिस्तान रंगबाज आज ना छोड़ब हम
है बाबू, सबका यही चैलेंज है, पूरा हिंदुस्तान का विचार है कि एक बार खुला युद्ध हो जाना चाहिए। इसलिए कि ये रोज रोज का नाटक ठीक नहीं है, एक दिन आर पार हो जाएगा, औकात का पता चल जाएगा। लेकिन कवि जी विधा की ओर आल्हा में लिखते हैं, कैसे मालूम? कि जवान दसवा खातिर अखाने बिरहाई बोलिया भैया, जिंदा बात बोले रसान, अरे मतिया के माथे पर लगाई के चुमे ले भैया, लेकिन हो तिरंगा हो खजन ना झुकाए, ओही देशवा में आज आतंक मच गई ले भैया, घाट देश भगतावन पर कर लुकाए, आतंकवाद उग्रवाद अलगावाद मिटावा भैया, अखंड भारत के हो सबे लगाए। बाबू ये आवाम की आवाज है, ये उग्रवाद, ये आतंकवाद, ये अलगाववाद, अगर इसका खात्मा नहीं होता है तो आए दिन हमारे सैनिक साथी, हमारे देश के रक्षक साथी अपनी प्राणों के बलिदान देते रहेंगे, और ये नहीं चाहिए। भाव तो इन सदर में लगे हमारे साथ, विजय का ताबूत आईली जिला हो देवरिया, कि मारे लसा लूट आजा पुलिस का जवान, गवानी कर चल कि झरा झर नजरिया बन से खुले न जुबान, कि भटानी से छबिया जगह देव पूरे आई, कि जाया हिंद बोला या जमा चतुर किसान, विजय का शहाद मतलब प्रकार ना ही जाई, कि विजय का शहादत आज प्रकार ना ही जाई, अश्वा से पोछने तो लोग दुख मान बोले, हे बाबू तमाम लोग जुटे हुए हैं, अपने उत्तर प्रदेश के सीएम
भी पहुंचे थे, जिला जवार के पूरे जितने भी नेता राजनेता थे सभी लोग पहुंचे साथी, लेकिन जो चला गया वो तो नहीं ना आएगा। अरे बाबू ताबूत से लाश निकाल के जैसे बाहर रखल गई बाबू, जवान विजय की एक छोटी सी बच्ची है, एक नगमा फोनवा बतियोले रहल पापा अहिया तो हमके पिचकारी ले ले होली नचाइल है। ए बाबू ऊ बिटियावा जाए के चेहरावा पर ठोक के पूछे थे एक बात, का पूछल मास्टर तुम खड़ी लगी बा कहावा बाट रनावा कहा पिचकारिया दादी जी मान तोहरी पिटियावा खोला नजरिया दादी जी बाबू वो छोट सा बेटी के का पता कि हमार पापा अब ये दुनिया में नहीं खा कहत कैसे है कि वादा कैला साज करके आई बु हम टोलिया असीमावा से कुनावा के खेलला पापा होलिया माटी बाटी तोहरी आईया बिरिया पापा जी मानत तोहरी पिटिया खोला नजरिया पापा जी बाबू यो परिवार का दर्द होके हम अपनी आवाज से अपने जबान से कितना बयां कर जा, लेकिन भैया हो हई हम बिरहा गायक बागी प्रवीण यादव की ओर से पूरे जमानन बदे है। कौन बात भैया कि अंतिम संस्कार भैलन आघात स्मशनवा आ पूरा देश शहीदवन के चढ़ावत बसी मनावा कहते हैं जमानन से ईट का जवाब पत्थर से दा यहाँ हमारा क्रिया डाय दीजी मान तुहारी पिटियावा खोला नजरिया दे दी बाबू यह हमारे वीरन का व्यथा है, पढ़ने को मिला था देखने को मिला था साथी किसी फौजी की किसी शहीद की विधवा पूछ बैठती है, उसकी माँ पूछती है कि हमारे बेटे का अगर एक इंच सीना कम होता है आप नहीं भर्ती लेते हैं, आए नेताजी आए सरकार ये व्यवस्था एक इंच हमारे बेटवा का सीना को मतलब भर्ती ना लेबा आ हमारे बेटा का आधा शरीर लेके अला हम कैसे ले कौने जबान से कौने मुंह से सवाल के बात के बयां कर साथी कोनो जबान ना है कोनो शब्द है ना आखिर लाइन में कह कि गुरु बिहार यूनिवर्सिटी आगम में डूबल देसवा चंद्रिका कवि भोलानाथ काटा प्रभु दल सवा जम्मू की माटी खूनी पड़ गई तब प्रवीण भैया लाल का कैसे दुश्मन आती जम्मू की खूनी माटी हो गई